सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन, मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। दिव्य बुद्धिदाता त्रिकालदर्शी शिवबाबा, हम बच्चों को दिव्य ज्ञान देकर कितना ऊंचा उठा रहे हैं। तो बाबा आज कह रहे हैं, बुद्धि में स्थाई एक बाप की ही याद रहे तो यह भी बहुत सौभाग्य है। बाबा कहते हैं, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा, उनकी मुख्य निशानी यह है कि ज्ञान सुनाने बिगर रह नहीं सकते। वो रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। बाबा कहते हैं, उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने बहुत खुशी होगी, खुशी में नाचते रहेंगे। वो अपने से बड़ों को बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में अगर दूसरों का हम रिगार्ड रखते हैं, हमें भी रिगार्ड मिलता है। तो बाबा आज बहुत प्यारा सा गीत याद कर रहे हैं, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। बाबा कहते हैं, बच्चों ने गीत की दो लाइन सुनी। यह वायदा का गीत है, जैसे कोई सगाई होती है तो वो वायदा करते हैं, स्त्री पुरुष कभी भी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, कोई की आपस में नहीं बनती है तो छोड़ देते हैं, वायदा करते हैं लेकिन नहीं बनती है तो फिर छोड़ देते हैं। लेकिन वायदा करके फिर क्या फायदा। बाबा कहते ऐसे प्रतिज्ञा नहीं करनी है, प्रतिज्ञा वो जो कभी छोड़े नहीं। बाबा कहते यहां तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो, ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनिया की सगाई हुई है, परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। कोई कोई बच्चे प्रॉमिस करते हैं बाबा कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, फिर भी छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं, यहां तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया, यह अवस्था जो तुम्हारी यहां रहती है वो वार सेंटर पर तो रह ना सके। मधुबन में जब बाबा आते हैं, बाप दादा, कितना सुंदर अनुभव हम बच्चे सभी करते हैं। बाबा कहते हैं, जो मधुबन में होता है ना, वो बाहर जाके तुम फिर माया के चक्कर में आ जाते हो, लेकिन शक्तिशाली तपस्या करेंगे, अपने को उसी वाइब्रेशन में रखना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, यहां बच्चों की बुद्धि में आया बाबा आया कि आया, जैसे और सत्संग में होता है, वहां बस समझेंगे फलाना स्वामी आया या फलाना स्वामी आएगा, परंतु यह ख्यालत भी सबकी एक रस नहीं होगी, कईयों की बुद्धि में तो और तरफ भटकता रहता है। कोई को पति याद आएगा, कोई को संबंधी आदि याद आएंगे। बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं है, कोई बिरला होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहां भी ऐसा ही है, ऐसे नहीं कि सब शिव बाबा याद में रहते हैं, बुद्धि कहां ना कहां दौड़ती रहती है, मित्र संबंधी आदि याद आएंगे। भगत यहां बैठे हो, बाबा के सामने मुरली सुनते हो, तो ये एक बाबा दूसरा ना कोई, मैं आत्मा मेरे साथ परमात्मा। भगत यहां बाप के सम्मुख रहने से तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा बार बार याद दिला रहे हैं कि बच्चे तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, यहां का गाया हुआ है। जब भगवान के सामने बैठकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं और बाबा की याद में मग्न हैं, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर रहे हैं, उनसे पूछो, क्योंकि बाबा ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए। बाप से ही बुद्धि योग लगाना है और किसी से नहीं। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं, कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं, बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी, कच्चे पड़ जाएंगे। एक दो बारी मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर आदत पक्की हो जाएगी,
फिर कितना भी सुनता रहेगा धारणा नहीं होगी। बाबा कहते सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा, सोचेगा कि जाकर धन दान करूं, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय तो और कोई के पास है ही नहीं, जो ज्ञान धन बाबा से मिल रहा है। अगर उसको हमने जीवन में धारण कर लिया तो ऊंच पद पा लेंगे, अगर नहीं किया तो बुद्धि भटकेगी और ऊंच पद पा नहीं सकते। बाबा कहते हैं भविष्य तकदीर इतनी ऊंच नहीं बनती है अगर बुद्धि भटकती है, तो बुद्धि को नहीं भटकानी है। सारा दिन प्रदर्शनी समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा तो ढेर बनती है ना, और तो कोई उपाय है ही नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहां बनते हैं। बाबा कहते हैं घर बार तो छोड़ना नहीं। बाबा कहते हैं घर में भले रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है, हमारा बाप से काम है और किसी से नहीं। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वो नोट्स रखते हैं। सत्ययुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर बाम मार्ग में जाने से वो कम होता गया, खुशी भी कम हो गई, कुछ ना कुछ विकर्म होने लगते हैं, उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती है। स्वतः प्रधान स्वतः रोजो तमोस्टेजस होती है, स्वतः से रोजो में आते हैं, ऐसे नहीं कि फट से आ जाते हैं, धीरे धीरे उतरेंगे। तमो प्रधान में भी धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। बाबा कहते हैं जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जंप लगाना है, तमो प्रधान से सत प्रधान बनना है। इसके लिए टाइम भी चाहिए। गाया हुआ चढ़े तो चखे वैकुंठ रस, काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। बाबा कहते हैं एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस, दूसरी है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। अब तुम बच्चे तैयारी कर रहे हो सतयुग नई दुनिया में जाने के लिए, वहां तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा, वो है ही राम राज्य, वहां होते ही है थोड़े, अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है ना। यह सारी नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इसलिए बाबा कहते हैं अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तुम्हें समझाना है, ऐसा है जो मनुष्य को पता पड़े कि हम स्वतः प्रधान से स्वतम प्रधान कैसे बने, फिर याद की यात्रा से ही स्वतः प्रधान बनेंगे। देखेंगे तो बुद्धि चलेगी, यह नॉलेज कोई के पास नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे प्रैक्टिकल में धारणा करते हुए लोगों को समझाना। बाबा कहते भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना, बाप भी भारत में आकर राजयोग सिखाते हैं, इसीलिए भारत का प्राचीन योग सब चाहते हैं, अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। भले क्राइस्ट आया धर्म स्थापना करने, इस समय वो भी तमो प्रधान है। यह रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। बाबा कहते हैं नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी लगती है, कहां भी अर्थ को एक आदि होती है, दो तीन वर्ष में एकदम नया मकान बन जाता है, कारीगर बहुत हैं, सामान सारा तैयार हो तो बनने में थोड़ी देरी लगेगी। बिलायत में मकान कैसे बनते हैं, मिनट मोटर, तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी आदि बहुत तुमको मिल जाएंगे, खानियों से तुम सोना चांदी हीरे ले आते हो, हुनर तो सब सीख रहे हैं, साइंस का कितना घमंड चल रहा है। यह साइंस फिर वहां काम आएगी, यह सीखने वाले फिर दूसरे जन्म में वहां काम लाएंगे। उस समय तो सारी दुनिया नहीं हो जाती है, रावण राज्य खत्म हो जाता है। बाबा धारणाओं में कहते हैं सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है, ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है, खुद धारण कर औरों को धारणा करानी है। बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है, नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पर समझाना है, ज्ञान धन का दान करने के लिए उछलते रहना है,
मतलब खुशी में रहना है, इंटरेस्ट होना चाहिए कि मुझे ज्ञान सुनाना है। वरदान है बाबा का, निराकार सो साकारी, इस मंत्र की स्मृति से सेवा का पाठ बजाने वाली रूहानी सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं जैसे बाप निराकार सो साकार वन सेवा का पाठ बजाते हैं, ऐसे बच्चों को भी इस मंत्र का यंत्र स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाना है। ये साकार सृष्टि साकार शरीर स्टेज है, स्टेज आधार है, पाठधारी आधार मूर्त है, मालिक है। इस स्मृति से न्यारे बनकर पाठ बजाओ तो सेंस के साथ एसेंसफुल रूहानी सेवाधारी बन जाएंगे। बाबा स्लोगन दे रहे हैं हम बच्चों को, साक्षी बन हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। जो भी हो रहा है हमें साक्षी होकर देखना है। आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करना है। इसी के साथ आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। हमेशा याद रखें बाबा मेरे साथ हैं, जो भी सुगंटा मेरे मस्तक के ऊपर है उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।